दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको केवल ध्यान देना है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के 8 गुना क्या है, छोटी संख्या है, तो लिखेंगे माना क्या बड़ी संख्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या इक्वल टू यक्ष है, ठीक। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या मानेंगे, छोटी संख्या वाई है, इसलिए क्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो लिखेंगे छोटी संख्या बराबर वाई स्क्वायर, तो 8 गुना है यानी 8 एक्स। प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, प्रश्नानुसार होगा यक्ष, क्या होगा यक्ष माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। कितना है, दोनों संख्या को वर्गों का अंतर 180 है, क्या लिखेंगे 180। तो ये क्या हो जाएगा, यक्ष माइनस कितना 8 यक्ष इक्वल टू 180। ये आपका क्या बन गया गुणनखंड। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, यक्ष माइनस यक्ष स्क्वायर, ये भी होगा यक्ष स्क्वायर माइनस 8 यक्ष, आई वो 180 को हम क्या करेंगे इधर पर छांतर कर देंगे, माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब हम इसका एक गुणनखंड करेंगे, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, यक्ष स्क्वायर माइनस 8 यक्ष माइनस का 180 इक्वल टू 0। देखिए हमको इस टाइप का गुणा करना है कि 180 आ जाए और उसमें से घटाना है या जोड़ना है 8 आ जाए। तो देखो यदि हम 18 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 18 में से माइनस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। ये कोई भी टीचर आपको नहीं समझा सकता है, बस देखो और समझो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, यक्ष स्क्वायर माइनस का अब हम इतना 8 यक्ष के स्थान पर हम 18 माइनस 10 को लिखेंगे, तो माइनस 18 यक्ष। देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 यक्ष माइनस 180 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इसमें से जब यक्ष कॉमन ले लेंगे तो यक्ष माइनस कितना हो जाएगा 18, ये प्लस का कितना हो जाएगा 10, कितना 10। अब जब 10 से हम 180 में भाग देंगे कितना बन गया, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यक्ष माइनस जब 10 से 180 में भाग देंगे तो कितना होगा 18 बार में जाएगा, ठीक इक्वल टू 0। तो हमारा एक पुस्तक में बचेगा यक्ष माइनस यक्ष प्लस 10, ठीक एक पुस्तक में बचेगा यक्ष माइनस 18। तो ये क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर माइनस का 10, ये हो जाएगा मान लो यक्ष प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यक्ष बराबर माइनस का 10, यक्ष माइनस 18 इक्वल टू 0, तो यक्ष बराबर 18। ये ऋणात्मक में आया है, तो यक्ष का मान बड़ी संख्या नहीं है क्योंकि ये ऋणात्मक है, यक्ष बराबर 18 बड़ी संख्या है। तो देखो दोस्तों यही बस आपको यहीं तक करना है और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए